हिंदू हूँ मगर हिंदुत्वादी नहीं हूँ। ये राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता वो क्या है, खुद हिंदू हैं, खुद मुस्लिम हैं, या ईसाई हैं, इटली के नाते ईसाई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिंदू बनाम हिंदुत्व का विमर्श खड़ा करने की कोशिश में है। इसके लिए वो लगातार दोनों के बीच फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू हूँ हिंदुत्ववादी नहीं वाले बयान को लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी और हिंदू संगठनों के निशाने पर है। इसी बीच हरियाणा के बीजेपी विधायक असीम गोयल ने शनिवार को राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं और हिंदुत्ववादियों के बीच अंतर पर की गई टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये खुद नहीं जानते कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई। इस बात पर शोध होना चाहिए। उन्हें देश की नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार के इतिहास और भूगोल की चिंता करनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता वो क्या है, और वो खुद हिंदू हैं, खुद मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, इटली के नाते ईसाई हैं, अपने पुराने पूर्वजों के नाते वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, इसके ऊपर मुझे लगता है एक शोध होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए। और वो रिसर्च मुझे लगता है पूरे देश भर के लिए भी सार्थक सिद्ध होगा, और राहुल जी को भी पता चलेगा, उनके परिवार के लिए भी सार्थक सिद्ध हो जाएगा कि वो हैं क्या। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी का फ़र्क नहीं जानता वो हिंदू कहलाने लायक है ही नहीं है। ये हिंदू नहीं है, जो हिंदू होगा उसी को इन चीज़ों का पता होगा। ये तो केवल मेरा मानना है कि ये चुनाववादी हैं, ये वोटवादी हैं, ये फसली बटेरे हैं। चुनाव जब आता है फसलों चुनाव की जो वोटों की जो फसल है उसको काटने के लिए इस तरह के ऊल जुलूल बयान जो है राहुल जी देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राहुल जी आप भारत के भूगोल और इतिहास की चिंता छोड़ के अपने परिवार के और अपने भूगोल और इतिहास की चिंता करें तो देश का भी भला हो। बता दें कि 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली में आई जनता को हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच का अंतर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो हिंदू होता है वो हर धर्म को मानता है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी होता है वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो सिर्फ हिंसा में विश्वास रखता है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं हिंदू हूँ और अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी था। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है, फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्यग्रह, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। राहुल
उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। राहुल गांधी भाजपा को हिंदुत्व की पिच पर चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अहम बात यह है कि एक बार फिर उन्होंने ये चुनौती चुनावों के समय दी है, लेकिन अभी तक उनका ये प्रयोग बहुत सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में देखना होगा कि उनका ये दांव आगामी चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है और कितना नुकसान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।